जो बच्चा यहां से मेहनत करना छोड़ देगा साइड हो जाएगा, निकल जाएगा बिल्कुल साइड, फिर वो वापस नहीं आ सकता, फिर वो बाउंस बैक नहीं कर सकता। अभी समय है आपके पास, जितनी मेहनत करके पढ़ सकते हो उतना पढ़, जितना कंसेप्ट को अच्छे से सीख सकते हो उतना सीख लो। ये बिल्कुल सही समय है मेहनत करने का, अभी नहीं तो कभी नहीं, याद रखना इसको। आपके मन में ऐसे विचार आएंगे अब कि यार मैं नहीं हो रहा, मेरे से छोड़ देता हूँ, पर याद रखना जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाथ से निकली गया 50%। मेरे पास दो ऑप्शन है हमेशा रहते हैं कि मैं आपको बस इतना बताऊं, किसी ने इलेक्ट्रॉन दिए प्लस आई प्रभाव, खींचे माइनस आई प्रभाव, आपको मैं लिखवा दूं कि ये तीन कार्बन तक रहता है, उसके बाद ये सब नहीं करवाऊंगा, और मैं आपको सीधा ही ऑर्डर लिखवा दूं कि प्लस आई माइनस आई में ये वाला ऑर्डर है और प्लस आई के अंदर ये वाला ऑर्डर, खत्म, क्लास 20 मिनट में खत्म हो जाएगी, दैट्स इट। और क्या उससे आईआईटी जेई क्रैक होगा? क्या उसके बोर्ड में 100 में 100 आएंगे? क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक एक कंसेप्ट पकड़ में आएगा? नहीं। तो आपको डिसाइड करना है मुझे कैसे पढ़ाना है। अगर आप रेगुलरली आकर के ऐसे हार्डवर्क करते रहोगे, मेरी अप्रोच यही रहेगी, हर एक चीज पढ़ाऊंगा, कंसेप्ट बताऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, कंसेप्ट बताऊंगा। आप कहते हैं ना कमेंट में टीआरक्यू, खूब सारे टीआरक्यू लेके आ रहा हूँ, क्वेश्चन कराऊंगा, कंसेप्ट बताऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, कंसेप्ट बताऊंगा। आप लोग मेहनत नहीं करना चाहते बता देना मेरे को, मैं बस कंसेप्ट बता के निकल जाऊंगा, खत्म, 20 मिनट में खत्म हो जाएगा, 10 दिन में अगले खत्म हो जाएगी। वो क्या करना है वो आपको डिसाइड करना। आप लोग रेगुलर आते रहोगे, मेहनत करते रहोगे, मैं इसी तरह से चलता रहूँ। आपको ठानना है आपको जीवन में क्या, ये समय आ गया जब आपको हार्डवर्क करना है, एफर्ट्स। इस समय पीछे हट जाओगे, खत्म। इस समय मेहनत करके सामने आओगे, आप हीरो कहलाओगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। इट्स ओनली एंड ओनली डिपेंड्स ऑन यू।